अब तक आपने सुना कि पाठ्यक्रम को नए ढंग से पढ़ाना शुरू किया जा चुका था, पर बच्चों को ये गले ही नहीं उतर रहा था कि बिना उनकी गलतियां निकाले, बिना नंबर दिए या प्रतिस्पर्धा के कुछ सीखा भी जा सकता है। उनको तो मारपीट, डराए जाने या फिर लालच दिए जाने की आदत थी। उधर हमारे मास्टर जी का ध्यान स्वच्छता पर अटका था। बिना साफ सफाई के पाठ्यक्रम का क्या मतलब? अब इस मसले को मां बाप पर और नहीं छोड़ा जा सकता था, कुछ तो किया जाना था, पर आखिर क्या? आइए सुनते हैं। मैं अपने बच्चों की प्रगति को लेकर बेहद निश्चिंत था, पर एक बात जो रह रह के मुझे सताती थी वो ये कि साफ सफाई के मामले में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। पहले पहल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो एक दिन मैंने एक लंबा सा पत्र लिखा और जोशीले कदमों से शिक्षा अधिकारी के दफ्तर जा पहुंचा। मैंने कहा, साहब एक ऐसा हुक्म जारी कर दीजिए कि पाठशाला में आने वाले सभी बच्चों को साफ सुथरे ही आना होगा। सर पर अगर टोपी होगी तो साफ होनी चाहिए, बाल और नाखून बराबर कटे होने चाहिए, बिना बटन के या फटी हुई शर्ट नहीं पहनना है, और सबके सब बच्चे नहा धोके, नहीं तो कम से कम मुंह धोके आए। साहब अब तक शांति से सुन रहे थे, वे मुस्कुराए और कहने लगे, क्यों, तुमने तो माँ बाप को समझाया था, क्या हुआ? मैंने कहा, इस बात को आप मजाक में न टालें, यह सच है कि माँ बाप के साथ की गई मेरी कोशिश काम नहीं आई, पर कुछ तो किया जाना चाहिए। सफाई को लेकर हम इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं तो कुछ काम तो होना चाहिए। साहब बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमारा समाज कुछ है ही ऐसा, संस्कार को लेकर हम गाने तो बहुत गाते हैं पर उनको असल जीवन में अपनाते नहीं हैं। तो आप हुक्म निकाल दीजिए, मैंने कहा। देखो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं किसी बच्चे को स्कूल आने से नहीं रोक सकता। इस बारे में तुमको जो भी करना है वो शिक्षक के तौर पर निजी स्तर पर ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा, शिक्षक की क्या ही बिसात, इस पर तो एक सार्वजनिक रूप से जन आंदोलन होना चाहिए, पर अपने स्तर पर जो होगा वो मैं जरूर करूंगा। कुछ देर उनसे मेरी चर्चा हुई और फिर मैं वहां से उठ के आ गया। उनसे मिलने के बाद मैं सीधा बाजार गया। अपने खर्चे से मैंने एक छोटा सा आईना खरीदा, कुछ कंघियां, तौलिया, कैंची और कुछ लंबे लंबे झाड़ू। ये सब लेकर मैं अपने घर आ गया। कंटिंजेंसी में तो कोई पैसा नहीं था, इसलिए मुझे अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ा। गनीमत यह थी कि पाठशाला में कम से कम पानी का नल था। अगले दिन मैं पूरी तैयारी के साथ समय से पहले ही पाठशाला पहुंच गया। जब लड़के आए तो मैंने उनको एक कतार में खड़ा कर दिया। अब तक वो मुझसे अच्छे से घुल मिल चुके थे, मुझ पर भरोसा किया करते थे। मैंने आईना दिखाकर उन सबको उनके चेहरे दिखाए। मैंने कहा, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा दिखता है जो तुम्हें नहीं पसंद तो झटपट जाओ और जरा पानी से अपना चेहरा धो लो, थोड़ा बहुत पानी अपने हाथ और पैर पर भी डालना। सब एकदम से चिल्लाते कूदते उछलते पानी के नल के पास जा पहुंचे। मैंने कहा, इन लोगों को क्रम से चलना और क्रम से काम करना सिखाना पड़ेगा, इस तरह हावड़ ताबड़ काम थोड़ी होता है। फौरन मैंने जमीन पर एक लकीर खींच दी और कहा, देखो तुम सब इस लकीर पर खड़े रहो और बारी बारी से नल पर जाया करो। नल की दूसरी तरफ मैं हाथों में तौलिया और कंघी लेकर खड़ा था। स्कूल के किनारे जो सड़क जाती थी उस पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। ऐसा लगता था मानो कोई प्रदर्शनी चल रही हो। दूसरे शिक्षकों, बच्चों और प्रिंसिपल साहब का चेहरा तो देखने लायक था।
शुरुआत में तो बच्चों ने बड़ी सभ्यता से हाथ पैर धोए, पर एकदम से उन्होंने पानी का खेल शुरू कर दिया। एक दूसरे पर पानी उछालने लगे और एक दूसरे के पीछे भागने लगे। मुझे बीच बचाव करना पड़ा और सबको लेकर मैं वापस कक्षा में गया। मैंने एक बड़ा सा गोला बनाया और हम सब गोले में बैठ गए। मैंने उनसे कहा, जरा तुम सब अपने हाथ पैर तो देखो, एक दूसरे का चेहरा तो देखो, सब कितने खूबसूरत लग रहे हो। लड़के एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, क्या तुम्हें ऐसे रहना पसंद है? सब बोले, हाँ वास साहब। मैंने कहा, देखो तुम्हारे घर का मामला क्या है मैं नहीं जानता, पर रोज सुबह पाठशाला आके तुम सब इसी प्रकार हाथ मुंह धो लिया करो, उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। बच्चों ने हामी भरी। उस दिन मैं बहुत ही खुश था। स्कूल से लौटते वक्त पैदल चलते हुए मैं बीच में हवा में उछल जाता था। अनजाने में ही मैं कुछ गुनगुनाने लगा। एकदम से मुझे एहसास हुआ, क्यों ना बच्चों के साथ गाने को लेकर काम किया जाए। गाने, लोकगीत, कविताएं, इन सब के जरिए बहुत कुछ सिखाया जा सकता था। मैंने फैसला किया, पहले 6 महीने सिर्फ आदतों की नींव डालना है। बच्चों की जानने के प्रति जिज्ञासा और इच्छा पैदा करना है। इसके बाद शिक्षा की इमारत वो खुद खड़ी कर लेंगे। अगले दिन मैं कक्षा के बीचों बीच गाने के लिए तैयार खड़ा था। बच्चे मुझे इतना समझने लगे थे कि मेरे हाव भाव से पहचान लेते थे आज कुछ नया होने वाला है। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा कांप रहा था। इससे पहले खेतों में तो मैंने खूब गाने गाए थे, सड़क चलते तो मैं खूब गुनगुनाता था, पर इतने सब बच्चों के सामने गाने गाना, मुझे तो चक्कर आ रहे थे। खैर, मैंने एक लंबी सांस ली और गाना शुरू किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, बच्चे एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। कोई हाथों से अपना चेहरा छुपा रहा था तो कोई दीवार की तरफ सर करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया, वो मेरा सम्मान करते थे पर उनकी हंसी काबू नहीं हो रही थी। वाकई मेरा गाना काफी बेसुरा था, पर कम से कम उसमें लय तो था। मुझे तो उम्मीद थी कि कुछ बच्चे भी मेरे साथ गाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैंने एक और गाने का सोचा। मेरी हिम्मत जो चारों ओर बिखर गई थी, मैंने उसको समेटा और एक बार फिर से एक नया गाना शुरू किया। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, चोर आवेगा रे एक दिन चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अब की बार कुछ कुछ बच्चे मेरे साथ गाने लगे, पर जैसे ही 30 लड़कियों ने एक साथ गाना शुरू किया, पूरे स्कूल में हमारी ही कक्षा की आवाज आने लगी। पलक झपकते ही दूसरे शिक्षक और प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया और उम्मीद के मुताबिक जमकर खरी खोटी सुनाई। अब तो मुझे सबकी आदत हो गई थी। उन सबको किसी तरह रफा दफा करके हमने फिर कक्षा में गाने का सिलसिला शुरू किया, अलबत्ता थोड़ी धीमी आवाज में। बच्चों को गाने में खूब दिलचस्पी आ रही थी। उनको लय का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव बनाना बड़ा रास आ रहा था। कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनको ये सब पसंद नहीं था। उन सबको मैंने एक कोने में बिठा दिया और चित्र बनाने के लिए कहा। गाने का लड़कों को ऐसा चस्का लगा कि पाठशाला में जब देखो जहां देखो
वो गीत गाए पाए जाते थे। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। शिकायतों का भंडार लग गया। आखिरकार मुझे उनके सामने शर्त रखनी पड़ी कि तुम सब विद्यालय के प्रांगण में मत गाया करो, जो गाना है घर में। फिर क्या था, बच्चों ने गली मोहल्ले में गाना शुरू कर दिया और गांव के लोग आपस में बतियाने लगे, ये कौन सा नया गवैया टीचर आया है। गांव के बहुत से लोग मेरे पास शिकायत और सुझाव लेकर आए। मैंने उन सब की बातों को बड़े ध्यान से सम्मान के साथ सुना, पर किया वही जो मुझे सही लगता था, जिसमें मुझे अपने बच्चों की भलाई लगती थी। धीरे धीरे मैं गीत संगीत, गाना बजाना, इन सब का महत्व अपने जीवन और शिक्षा में समझ पा रहा था। जैसे जैसे शिक्षा का प्रयोग आगे बढ़ रहा था, उसका विरोध और मुखर होता जा रहा था। वो कौन था जिसके आने से मास्टर जी को थोड़ा सुकून मिलने वाला था? आइए सुनते हैं अगले एपिसोड में।